नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा। इस दौरान सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसके में उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है। और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आपस में हमारे राजनीतिक विचारधारा है, हम उस पे उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। और उसके खिलाफ उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए ये हमको बर्दाश्त नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश युवा नीति युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा बनाने के लिए प्रदेश के युवाओं से आग्रह करता हूं। आप भी सुने। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, पिछले वर्षों में मैंने, प्रदेश की सरकार ने आपके लिए अनेकों योजनाएं बनाई, चाहे बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, पढ़ाई गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी कर सके, कमजोर वर्ग के बेटा बेटी भी कर सके, इसलिए स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, आश्रमशाला छात्रावासों का जाल, स्कूलों का विस्तार, रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन किया था, तब एक मांग सामने आई नई यूथ पॉलिसी बनाने की। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अब हम ये यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हमका मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाएंगे, अफसर नहीं बनाएंगे, युवा नीति प्रदेश के युवा मिलकर बनाएंगे। तुम्हें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है। जरा सोचो हमारी यूथ पॉलिसी कैसी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार, अन्य युवा विषयों पर सरकार क्या काम करे ये तुम्हें तय करना है। और ये यूथ पॉलिसी हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को शाम को डिस्कस करेंगे, 13 को हम इसको जारी करेंगे। इसलिए अनेकों सेमिनार संगोष्ठियां करवाने हम जा रहे हैं। 4 मंत्रियों की टीम बनी है जिस काम को अंजाम दे रही है। आपके सुझाव आपके महाविद्यालय से भी इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे वो बेटा बेटी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, युवा सरपंच हो, पार्षद हो, अध्यक्ष हो, युवा उद्यमी हो, हमारे स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले बेटा बेटी हो, युवा किसान हो, युवा व्यापारी हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं आपके एक एक सुझाव को हम गंभीरता से देखेंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर बनेगी मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा, तो वहीं गोविंद सिंह को भी सलाह दे डाली। आप भी सुने। ये 2 कोड़ी के नेता पाकिस्तानी ये सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पर और हिंदुस्तान पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। जो देश दुनिया में अलग थलग पड़ गया है वो मोदी जी पर टिप्पणी कर रहा है, वो भी छुटभैया नेता, 2 कोड़ी का नेता। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता।
नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के नेता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यूक्रेन और रूस का यदि विवाद होता है तो मध्यस्थता करने की यदि किसी को पहल की जाती है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर ऐसे छोटे मोटे भैया, छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नेता कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब देखिए गोविंद सिंह जी हो, गोविंद सिंह जी को यदि अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचानी है तो उन्हें सोनिया मैडम का इटली का राग अलापना ही पड़ेगा। गोविंद सिंह जी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो हिंदू संतों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। वो नेहरू परिवार के चमचे कांग्रेसी लोग जो लगातार हिंदू धर्म का, हिंदू संतों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, जो हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान करते हैं, उनसे हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सबके आदरणीय हैं, आदर के केंद्र हैं। उनको इस तरह की टिप्पणी करना संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। गोविंद सिंह जी जैसे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे। कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ हनुमान जी के मंदिर पर चाकू चलाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचती हैं, कपिल सिब्बल राम मंदिर ना बने उसका हलफनामा देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी, आपको सुनाएंगे। अभी आरक्षण के मामला सामने आया है। आरक्षण में विधानसभा में हमारे सब साथियों ने सर्वसम्मति से जहां 32% आदिवासी मंत्री आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर 13% अनुसूचित जाति का आरक्षण, मंडल कमीशन के अनुशंसा में और भारत सरकार खुद 37% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दे, वे ईडब्ल्यूएस 4% के आरक्षण विधानसभा में पारित हो। और इधर मुझे खुशी है कि सर्वोन्नति से विधानसभा में विशेष सत्र में पारित किए गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ राज्यपाल जी के हस्ताक्षर होके वो आरक्षण नियम बिल लागू हुई। आदरणीय श्यामा चरण जी कहा है किसान ला पानी दे दे तो वो लाखों परिवार ला रोजगार दे सकते पाल सकते। आदरणीय महादेव चंद्राकर जी कहा है कि किसान ला दाम मिल जाए तो खुशहाल छत्तीसगढ़ हो जाए। तो आज पानी भी व्यवस्था कर रहे, किसान ला दाम दे भी व्यवस्था कर रहे। यहाँ 19 लाख किसान के ऋण माफी हो है और उन्हें आज हमारे किसान मन की संख्या लगातार बढ़त जाते, हर साल बढ़त जाते। 18-19 लाख किसान से बढ़ के 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जिन हितग्राही 26 लाख किसान जिनमें धान की भी खेती कर रहे थे, गन्ना की खेती कर रहे थे, कोदो कुट की रागी की खेती कर रहे थे, वो सब लगे न्याय योजना के लाभ मिला थे। वृक्षारोपण की खेती कर रहे थे, वृक्ष खेती कर रहे थे, वो लेकर लाभ मिला थे। तो प्रकार से हमारे अन्नदाता मन ये मेहनत का से वो कर सबसे ज्यादा सम्मान यदि होते तो छत्तीसगढ़ में। हम तो वादा कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी वादा कर रहे थे 2500 रुपये में धान खरीद, लेकिन आज ये साल जिन धान बेचा थे जिन्हें 2640 रुपये पड़ा था। अतकत कीमत देश और दुनिया में शायद ही कोनो जगह हुई जिन अनाज की कीमत, धान की कीमत आज छत्तीसगढ़ में। अब बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष मल्ला, हमारे सहकारिता के सब अधिकारी कर्मचारी मल्ला, विभाग ला कि आज लगभग 2500 धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थित रूप से बारदाना भी उपलब्ध है, तौलाई भी होते, धान के उठाव भी होते, कोनो जगह जाम की शिकायत नहीं मिला थे। और
तीन दिन के भीतर में भुगतान होते और लगभग 50 लाख मीट्रिक टन के धान अभी खरीदी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सुधार के साथ शिक्षा स्वास्थ्य के साथ संस्कृति में भी हम बढ़ाए के काम करे हैं और तीज त्योहार मन की छुट्टी चाहे हरेली हो, पूजा हो, आदिवासी दिवस हो, चाहे कर्मा जयंती हो, चाहे छठ पर्व हो, चाहे हमारे अभी चेचरा पुण्य को सबकी छुट्टी हम घोषित करें और साथ ही गोकुल निर्माण के, देवगुड़ी निर्माण के, राम अवनवन पर्यटन परिपथ के, स्वामी विवेकानंद जी पुरुषार्थ के लिए स्मारक जिन भवन में रह रहे थे अपग्रेड करके भवन बनाए के स्मारक बनाए के ऊपर योजना भगवान बुद्ध के यहाँ अनुयायी पहुंच रहे थे, भिक्षुक मन रहे थे, शिक्षा के केंद्र रहे थे, नागार्जुन जी काम महात्मा गांधी की जिन सपना रही से कि ग्राम स्वराज्य के अवकर से हमन सुराजी गांव के कल्पना करें और शुरुआत भी करें, विधानसभा में घोषणा भी करें और लागू करे काम करत हम कि हर प्रकार के गांव और शहर के बीच संतुलन बनाते हुए गांव ला उत्पादन के केंद्र और शहर ला विपणन के केंद्र और एक माध्यम से गाँव में अमन जहाँ अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गौठान में बहुत प्रकार के गतिविधि ये सब संचालित होते, लगभग 9000 गौठान में अमन संचालित करत हन जिसमें गोबर खरीदी काम, वर्मी कंपोस्ट बनाए के काम, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी मन के उत्पादन और अन्य गतिविधि संचालित होते, उनमें हजारों हजार महिला मन लग काम मिला थे, उनके हाथ में पैसा आवा थे, सैकड़ों करोड़ रुपया अभी तक खाता में चल रहे, अभी तक के लगभग 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उत्पादन होते, खेत में पहुंचाया काम होते, कृषि में सुधार होते, तो एक तरफ गौ माता की सेवा होते तो दूसरे तरफ धरती माता की सेवा होते और एक से निश्चित रूप से आने वाला समय में एक बहुत ही दूरगामी परिणाम हुई। गौठान समिति भी बनाए और गौठान समिति बना के एक निश्चित राशि वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मल उपलब्ध करा था और आज ये बात की प्रसन्नता है कि लगभग 4000 गौठान है तेन स्वावलंबी हो गए, कई सारे गौठान है जिनमें 2 साल पहले जिन शुरू हुए 9-9, 10-10 और 15-16 लाख रुपया एक एक गौठान में हो गए। ये बात बताते हुए खुशी होते पंचायती राज की कल्पना जहाँ हमारे तो प्राचीन परम्परा है पंचायती राज, महात्मा गांधी जी में जोर दे रही से राजीव जी इला पंचायती राज लागू करे की 73वें संशोधन ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायत या तो राज्य शासन से पैसा उपलब्ध होते तब विकास काम करते या केंद्र सरकार पैसा देते तब विकास काम होते, लेकिन हमारे गौठान समिति 2 साल के भीतर में जिन बहुत अच्छा काम करे एक मन कर 10-15 लाख रुपए तक के इकट्ठा हो गए, तो अब खुद के कमाए पैसा से गाँव के विकास में वो लगाई, गौठान के विकास में लगाई, ये गांधी जी की कल्पना है जिसे बोला साकार करे में हमारे गौठान समिति के सब साथी मन काम करते बधाई देते। वनाधिकार पट्टा आदिवासी समाज हमेशा जल जंगल जमीन की बात करते, तो जंगल के रखवाली भर यह नरवा हमारे कार्यक्रम है, इनका हरियाली भर वही सिंचाई की व्यवस्था भी, पानी की व्यवस्था और साथ ही वन अधिकार पट्टा दे के भी हम काम करें जंगल में, जिक्र मन के 13 दिसंबर 2005 की पहली कब्जा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी, आपको सुनाएंगे। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। विधानसभा का सत्र है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, आरोप पत्र बना रही है। आज शाम को 4 बजे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है विधानसभा के उनके जो समिति के कक्ष हैं, मैं उसमें रहने वाला हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी उसमें रहने वाले हैं,
और विधानसभा से विषय से संबंधित और जो हर बार की तरह जो किसी भी प्रस्ताव को लेके आ सकते हैं नियम प्रक्रिया के तहत स्वागत है। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है, बस हो हल्ला न करें, चर्चा करें। मैंने देखा है कि चर्चा से भागती है कांग्रेस और हो हल्ला में करती है, चर्चा करें। राहुल गांधी सर लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं और देना के बिलावल जी का और राहुल गांधी का बयान एक जैसा ही है, एक सेना पे सवाल उठा रहे हैं और एक प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए कमलनाथ जी से मैं जरूर पूछूंगा मध्य प्रदेश का होने के नाते कि आप राहुल गांधी की भाषा से सहमत हैं या असहमत हैं, ये स्पष्ट उन्हें करना चाहिए जो सेना के अपमान की भाषा उन्होंने बोली। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, किसानों के कर्ज माफ के का एक आदेश भी उसने प्रसारित किया है, उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो कर्ज माफ। ये 420 कहलाती है कमलनाथ जी, आपका ट्वीट मैंने कल का देखा और इस ट्वीट पे आपने वो आदेश भी इसमें जारी किया है। इसमें स्पष्ट आपने लिखा हुआ है जो सरकार का आदेश है कि 2 लाख तक की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। एक का भी 2 लाख का माफ नहीं हुआ जो आपके आदेश में है। ये 420 की श्रेणी में आता है। आपके कल के ट्वीट ने जख्म हरे कर दिए किसानों के, मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए, किसान डिफॉल्टर कर दिए आपने। और उसके बाद में आप लिख रहे हो उसमें कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर ऐसा ही करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान ने आपको समझ लिया है कमलनाथ जी, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ पाती है। कल के ट्वीट ने इन जख्मों को जो किया और आपने आदेश कल के ट्वीट में जो दिया है, आदेश और आपके ट्वीट में कितना अंतर है ये भी 420 ही है। एमपी की राजनीति में लंबे समय से आदिवासियों का मुद्दा भुनाया जा रहा, प्रदेश की गद्दी पर बैठी पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को साधने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। खुद को आदिवासी समर्थक बताने के लिए खूब कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत पिछले कुछ समय से पेसा कानून को लेकर राजनीति जारी है। पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए। हम आज माननीय विधायक महोदय संजय शाह जी, विधायक 134 विधानसभा क्रमांक तिमन्नी जिला हरदा से, उनके क्षेत्र के निवासी जनता है हम लोग गरीब आदिवासी समाज से, और हमारे क्षेत्रों में लगातार जो है विकास कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, जबकि विधायक महोदय विगत 15 सालों से विधायक पद पर हैं। द्वारा आदिवासी भाइयों के द्वारा जो आज विधायक जी के यहाँ पर आकर मिलने का उन्होंने अपनी मांगे लेकर यहाँ जो बात रखी है, और माननीय विधायक जी आज उपस्थित नहीं हो पाए थे, कई विशेष कार्यों से वो बाहर थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित थे और हमने आदिवासी भाइयों की पूरी मांगे भी सुनी है। किस तरह उसको पूरा किया जाएगा? बिंदुवार जो उचित मांगे हैं उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय विधायक जी की ओर से मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। आदिवासी बहुत नाराज थे विधायक जी की कार्यशैली को लेकर, उन्होंने कई बार आपसे भी बातचीत की है। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ भ्रामकताएं भी फैलाई जाती है कई लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहुत हमारे साथी बंधु लोग आए हुए थे माननीय विधायक महोदय जी से मिलने के लिए, किन्हीं कारण से माननीय विधायक। सांसद केपी यादव की गुगली पर शिवपुरी नगर पालिका के सीएमओ शैलेश अवस्थी बोल्ड हो गए। शुक्रवार को शिवपुरी के पोलो ग्राउंड पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत संभाग स्तरीय हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सांसद
केपी यादव ने शिवपुरी नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लेट लतीफी का मामला उठाया था। कि यहाँ पर जो सीवेज का काम चल रहा है वह भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, पानी जो लाने के बात है वो भी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो कृपया आप इस पर ध्यान दें। और यहाँ के लोगों की नगर पालिका से भी काफी शिकायतें रहती है, हमेशा मिलती है, तो आजकल जो आपका सिंघम रूप देखने को मिल रहा है तो निश्चित ही मुझे लगता है आप नगर पालिका के बारे में जरूर विचार करेंगे। और यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, क्योंकि मैं भी यही का एक बालक हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जिसे यहाँ के लोगों ने इतना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया था, तो यहाँ की नगर पालिका के बारे में जरूर आप विचार करें। लेकिन आज मुझे एक बात बताओ, सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं। ये बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा, लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस आजकल मेरी इतनी आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है, बताओ जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए हम काय के लिए हम ये सारा पैसा हम भेजते हैं, जनता की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, विकास के कामों के लिए भेजते हैं, और तुम बीच में ही हजम कर जाओ, ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ, तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में, कोई कुछ और में है जो राशन गप कर जाता है, और बहुत दिनों से बैठा ये पता चला कोलारस, कोलारस से पिछौर। अरे खाने वाले का ट्रांसफर काय को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। तो गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए और मामा छोड़ दे, कमलनाथ ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। उस माधव नेशनल पार्क में जो मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, उस सपने को हम मिलकर पूरा करने वाले हैं। आगामी जनवरी में 3-3 शेर लेकर शिवपुरी को दोबारा पर्यटन की संस्था और केंद्र में हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी किसान हितैषी सरकार, किसान पुत्र शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जहां 41 करोड़ रुपए हम लोग ने किसान के लिए फसल बीमा के आधार पर वितरित किया है, केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें आर्या न्यूज।